गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी बढ़िया होंगे। मैं आयुष पुरोहित नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने नवज्योति ग्लोबल स्कूल यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी। बच्चों, अभी तक हमने इसमें कक्षा 7 में 9 पार्ट पढ़ लिए हैं और आज का जो हमारा पाठ है वो है पाठ नंबर 10, जिसका नाम है अभूतपूर्व अनुभव। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने शुरू करने से पहले इसका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। अभूतपूर्व मतलब होता है बच्चों ऐसा जैसा कि आपने पहले अभूत जैसा कि पहले नहीं हुआ हो, है ना। अपूर्व का मतलब होता है पहले, आ का मतलब होता है कि अब कि ऐसा जैसा पहले नहीं हुआ हो, अपूर्व अनुभव जो पहले ही हो जाता है। ठीक है, सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तातोचान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चैन से मिलना था। इस भेद का पता तो ना यासुकी चैन के माता पिता को था, ना ही यासुकी चैन के। उसने अपने पेड़ को पेड़ के चढ़ने का न्योता दिया था। तमोई में हर एक भाग के बच्चा बाग के एक पेड़ पर खुद चढ़ने के लिए पेड़ मानता था। तातोचैन का पेड़ मैदान के एक बाहरी हिस्से में कहिंसु जाने वाली सड़क के पास था। वह बहुत बड़ा पेड़ था, उसको चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक दुशाखा तक पहुंचा जा सकता था, जो किसी झूले के लिए सी आरामदेह जगह थी। तो बच्चों, ये जो कहानी है इसमें क्या होता है, सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद क्या हुआ, एक बहुत ही साहसी कार्य करना था। यासुकी उसे क्या था, उसे यासुकी चांद से मिलना था। तो इस बात का पता तातो चांद के माता पिता को न था और ना ही यासुकी चांद को, दोनों के ही माता पिता को इस बात का पता नहीं था। तो यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। ठीक है, तमोए का हर एक बच्चा भाग का बच्चा पेड़ में चढ़ना चाहता था। ठीक है, तो पेड़ ऐसा था कि पेड़ में अगर कोई आदमी फिसल चढ़ने की कोशिश करता तो उसका पैर फिसल जाता, पर अगर कोई समझदारी से चढ़े तो 6 फुट ऊपर क्या था, एक दुशाखा थी जो कोई झूले जैसी बड़ी आरामदेह जगह थी। तातो चांद अक्सर छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ वो सामने से दूर आकाश तक या सड़क तक पर नीचे चलते हुए लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे को के पेड़ पर चढ़ना हो तो पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊँ पूछना पड़ता था। यासुकी को पोलियो था, इसीलिए वो ना किसी पेड़ पर चढ़ पाता था, ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तातोचैन ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तातोचैन ने अपनी माता से कहा, वह यासुकी चैन के घर डेनुफ चोफ जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी इसीलिए उसने माँ की आँखें नहीं झांकी। वह अपनी नज़र जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही और राखी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले सच बताएं तो बिना चाचो चैन से रहा नहीं गया। ठीक है, तो यासुकी चान एक बच्चा था, यह बच्ची थी जिसे क्या था, एक लड़का था दिख रहा है यहाँ पर, जिसे क्या था, पोलियो था। तो वह किसी पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था और ना ही किसी पेड़ को अपनी संपत्ति मानता था। तो वो जो लड़की थी उसने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा था। ठीक है, तो जब लड़की अपने घर से जा रही थी तो वो बताती है कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन क्योंकि अगर वो मम्मी से झूठ बोल रही थी तो क्या करती है, अपनी माँ की आंखों में नहीं देखती है कि कहीं मेरी माँ मेरा झूठ पकड़ ना ले। तब वो कहती है, मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तातो चांद स्कूल पहुँची तो उसके पास तो रेल के पास उसके गले के आसपास हवा उड़ रहा था। यासुकी चांद उससे उसे मैदान वाली क्यारियों के प्यास मिला, गर्मियों की छुट्टी के कारण सब सूना पड़ा था।
यासुकी चान उसे कुल जमा एक वर्ष पर बड़ा था, पर टाटियो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। ठीक है, तो जो दो बच्चे थे इन दोनों की उम्र में क्या था, सिर्फ एक साल का अंतर था, लेकिन वो छोटी बच्ची समझती थी कि वैसे बहुत बड़ा है। जैसे यासुकी ने तातो को देखा तो पैर झुकता हुआ उसके और बढ़ा, उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर रखने के लिए दोनों और फैले हुए थे। तातो बहुत उत्साहित थी कि दोनों आज ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को पता ना था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी, यासुकी चान भी हंसने लगा। तातो चान को अपने पेड़ की ओर ले गई, बाद में वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसे उसने रात ही तय कर लिया था, वह वहाँ से घसीटती हुई एक सीढ़ी ले आई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह दुशाखा तक पहुँच जाए। अब वह खुर्सी पर से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी को किनारे से पकड़ लिया, तब पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चैन के पैर इतने कमज़ोर थे कि पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे नहीं चढ़ पाया, तो तातो नीचे उतर आई। उसने यासुकी चान को पीछे से धक्याने लगी, पर तातो चान छोटी थी, नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। तो उसे पहली बार लगा, तब तातो चान को लगा कि पैर इतना आसान नहीं है, वो दूर कर हट गया। अब वह जितना सोच बैठी थी वह इतना आसान काम नहीं था। अब क्या हुआ, दोनों बच्चे चाह रहे थे कि वो पेड़ पर चढ़ जाए, लेकिन जो लड़का था यासुकी चान उसके पैर बहुत कमज़ोर थे, वो ऊपर नहीं चढ़ सकता था। पर जो लड़की की इच्छा थी वह उसके पेड़ पर चढ़े, उसका उत्साह भी था। उसका लटका हुआ चेहरा इतना उदास था कि तातियो चान को उसने हंसाने के लिए मुँह फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाने लगे। ठहरो, एक बात ठीक है, फिर से वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट उलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। ठीक है बच्चों, अब उसे कैसी सीढ़ी मिली, तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट लाई तो अपनी शक्ति पर हैरान रहने लगी, और तिपाही सीढ़ी उसने ऊपरी शाखा दुशाखा तक पहुंचा रही थी। देखो डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। ठीक है, तो जो बच्ची थी उसने कहा कि तुम डरना मत, ये सीढ़ी जो है डगमगाने वाली नहीं है, ये अच्छे से अटकी हुई है। उसे काफ़ी पसीना आ रहा था, उसने पेड़ की ओर देखा, तब अपने निश्चय के साथ अपना पहला पाँव उठाकर सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को बिल्कुल भी यह पता न चला कि कितना समय यासुकी चैन को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर पहुंचने में रमा था। टाटो चान उसे नीचे से एक एक सीढ़ी चढ़ने में मदद कर रही थी, वह उसको अपने सिर से उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुँच गया। हुर, उसे अपनी अचानक मेहनत बेकार लगने लगी। तातियो चांद तो सीढ़ी से छलांग लगाकर दुशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद की सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर एक कोशिश बेकार रही। तातियो चांद की ओर देखने लगा, तातियो ने रुलाई, छूटने को हुई तो उसने चाहा कि यासुकी अपने पेड़ में आमंत्रित करे, तमाई नई चीजें दिखाए। अब क्या हुआ कि उन दोनों की मेहनत बेकार हो गई थी। वह जैसे ही पेड़ पर पहुँचे उसे क्या लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है ना। वो बच्ची तो झट से पेड़ पर पहुँच गई, पर लड़का नहीं पहुँच पा रहा था। पर लड़की को रोना आने लगा, लड़की चाह रही थी कि अगर वो रोएगी तो लड़का भी रो पड़ेगा, इसीलिए उसने रोया नहीं। लड़की चाहती थी कि उसे अपने पेड़ पर बैठा कर दूर दूर की चीज़ें दिखाए। यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया, जो उसके खुद के हाथ से बड़ा था और उसकी उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तातियो चान का हाथ थामे रही, बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खड़े खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय दुशाकर पर खड़ी तातियो चाचों को पेड़ की ओर खींचने लगी। अगर कोई बड़ा देखता तो डर के मारे चीख उठता।
उसे सचमुच जोखिम उठाते ही दिखाई देते। यासुकी पूरा भरोसा था कि वह खुद भी यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे हाथों से पूरी ताकत से यासुकी को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दुशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तात्यों ने सम्मान से नीचे झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। तो बच्ची ने क्या हुआ, आखिरकार यासुकी को अपने पेड़ पर चढ़ा ही दिया। और उसने क्या कहा, पसीने से बेचारी तरबतर हो गई थी और पसीना अपने मुँह से पसीने वाले बाल अपने चेहरे से हटाते हुए उसने क्या कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ मां मस्काया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसे होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी ने खुश होते हुए कहा। तो बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया, वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न, यासुकी उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जापान में भी आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है। ताते उस समय तो ना समझ पाई यासुकी के लिए जो कहीं भी दूर चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह सोच रही थी कि सुमो पहलवान घर में रखें तो किसी डब्बे में कैसे समा जाएगा। तो जो छोटी बच्ची थी उसको यासुकी बताता है, तात्यो को यासुकी बताता है कि मेरी बहन अमेरिका में रहती है और वहाँ क्या होता है, वहाँ टेलीविज़न होता है। टेलीविज़न में आप सारी दुनिया में किसी भी जगह को देख सकते हैं। तब अब वो कहता है कि जल्द ही जापान में भी टेलीविज़न आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे कुश्ती देख सकेंगे। तो तात्यो को ये बात समझ नहीं आती है तो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उतना बड़ा सुमो पहलवान उतनी छोटी सी टीवी में कैसे समा सकता है। ठीक है बच्चों, पर उसे बात बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी ने ही तात्यो को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे, दोनों बहुत खुश थे। यासुकी चांद के पेड़ में चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। ठीक है बच्चों, तो दोनों को क्या हुआ, बहुत खुशी हो रही थी या उसके पेड़ में चढ़ने का पहला और अंतिम मौका था। ये क्या है बच्चों, ये एक जापानी कथा थी, ठीक है, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हो सका है। ठीक है तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के लिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आयुष पुरोहित आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।